नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक तापमान बढ़ता जा रहा है, वहीं भावी प्रत्याशियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। राइस न्यूज ग्राउंड रिपोर्ट के अपने अभियान के क्रम में आज हमारी टीम पहुंची सीवान की बलहू पंचायत, जहाँ से बबन बाबा भावी BDC प्रत्याशी है। बबन बाबा क्षेत्र के बड़े समाज सेवी है। बबन बाबा कहते हैं कि अगर बलहू पंचायत की जनता ने उन्हें BDC बनाया तो वो BDC फंड से पंचायत के विकास की नई गाथा लिखेंगे। हमारे साथ एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो जिला सिवान के दरौली प्रखंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत राज बलहू से पंचायत समिति सदस्य BDC के प्रत्याशी हैं, और ये पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान में इन्होंने स्नातक की शिक्षा प्राप्त की है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप BDC के उम्मीदवार हैं। जी, आपका भी स्वागत है कि इस माध्यम से पंचायत चुनाव की पारदर्शिता को बनाना चाहते हैं जी। और मेरा जनता से यही अनुरोध है, और इस उद्देश्य से मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं कि जो भी सरकारी योजनाएं आती है, हमारा अधिकार हो या न हो, या कोई भी पोस्ट अधिकार से यदि सरकारी कर्मचारियों द्वारा वंचित के बावजूद भी हमें यदि कोई जानकारी नहीं मिलती है, और किसी माध्यम से हमें भरपूर प्रयास करेंगे कि सरकारी कौन कौन सी योजनाएं आ रही है, भरसक सरकारी कर्मचारियों द्वारा ये दबाने का प्रयास किया जाता है और उसमें बहुत कुछ कम ही जनता के बीच लाया जाता है, लेकिन हमारा भरपूर प्रयास रहेगा कि उचित जो भी सरकारी अनुदान आए हमारे किसानों के बीच सही ढंग सा वितरण हो। जबकि हम 2 वर्ष पहले से हम देख रहे हैं कि किसान अनुदान जो आ रहा है, जो वास्तविक किसान है, उन किसानों को उचित कृषि अनुदान नहीं मिल रहा है। सूखा हो या दहार हो, जो पैसा दे देते हैं उनको अधिक मिलता है, और जो नहीं देते हैं वो वंचित रह जाते हैं। मेरा मेन उद्देश्य यह है कि किसानों को हर जगह से मेरा प्रयास रहेगा कि कमी हम नहीं आने देंगे पंचायत के अंतर्गत। मेरा पहला उद्देश्य ये होगा किसानों के प्रति। तो आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान आकृष्ट किया है कि अभी हाल ही में जिस तरह से मतलब फसलों की बर्बादी हुई, चाहे सूखा का मामला हो या बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र का मामला हो, तो अक्सर जो है किसानों का फसल जो है बर्बाद हो जाता है प्राकृतिक आपदा के कारण। तो क्या यहाँ बलहू में किसानों की दशा पर और समस्या पर कोई जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देता है? हम तो ये बात नहीं कहेंगे, क्योंकि ये तो जनता का मामला है। यदि हम अपने को योग्य बने तो हम तो कहीं अछूते हैं जनता से, लेकिन वही लोग तो जनता के मालिक बने हुए हैं। तो हमको तो गलती ठहराना अनुचित है, इसका जवाब तो जनता लेगी। जनता इस हर चीज के ऊपर नजर और निगाह रखेगी। हाँ, जनता रखेगी कि अभी अभी तक जो कमियां हुई उन कमियों के हमारे प्रतिनिधि पूरा कर पाएंगे कि हमें बदलाव करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये जनता को निर्भर मतलब फैसला सुनाना है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन किसी भी प्रत्याशी का भाग्य के फैसला सुनाती है, लेकिन जिस तरह से पंचायत में सर्वेक्षण हमारे AI न्यूज लाइव मीडिया ने किया और यहाँ का जो ताजा सूरत हाल से आप वाकिफ हो रहे हैं, अवगत हो रहे हैं, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि पंचायत में जन प्रतिनिधि तो हैं लेकिन जन समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि धरातल पर उतर नहीं पाई हैं। किसानों की समस्या को लेकर के भावी पंचायत समिति सदस्य उम्मीदवार BDC के प्रत्याशी जो बलहू पंचायत से चुनाव के मैदान में है, आपको बबन बाबा के नाम से लोग जानते और पुकारते हैं, अपना शुभ नाम बतलाएं। सर्टिफिकेट हमारा शुभ नाम बबन दुबे है। बबन दुबे। तो बबन दुबे जी, BDC के पद पर चुनाव लड़ने का जो आपने संकल्प लिया है, कैसे आपको मतलब यह ख्वाहिश इच्छा हुई कि हमें भी पंचायत का जन प्रतिनिधित्व तो करना चाहिए और इस क्षेत्र में आना चाहिए? हम ये देखे कि इस समय चुनाव कई मायने रख रहे हैं, उस मायने में मैं और देखा कि कई तरीका का मैंने उसमें
जोड़ जुगाड़ लग रहा है, हम ये देखें कि हम जिस स्तर से हैं वो हमसे नहीं हो पाएगा। हम जाने ये सोचे कि दूसरे स्तर का जो प्रतिनिधित्व है उसमें हम कुछ अपने ज्ञान बुद्धि से सक्षम हो सकते हैं, जनता को समझा सकते हैं, और इसलिए हम ये सोचे कि BDC प्रत्याशी बने। और हमारी ये सोच है कि हम ये काम करें, और हमारी कामना है कि हमारी हमसे ऊपर भी जो प्रतिनिधि हैं वो ये सीख लें कि एक BDC हो करके बबन दुबे ने जनता का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं, तो हम तो कुछ और बड़े पोस्ट पर हैं, वो भी अपने कार्य में गति लाएंगे, हमारी यही सोच है। तो क्या बबन दुबे जी, पंचायत समिति सदस्य का चुनाव अगर आपको सफलता मिलती है, जनता आपको उस पद पर सुशोभित करती है, तो क्या आपकी कोशिश रहेगी कि ब्लॉक के प्रमुख तक भी जाने का? यदि हमारी जनता का आशीर्वाद मिला, यदि एक नंबर में द्रौली से, तो उस माहौल में देखा जाएगा, ये भविष्य में का फैसला, हाँ भविष्य में होगा फैसला। यदि आशीर्वाद बेजोड़ रहेगा तो उस तरह का सभी लोग यदि ध्यान में रखेंगे कि हाँ कोई BDC इस तरह से जीत करके आए हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम और आगे तक सोचें और क्षेत्र का कल्याण करें।